वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पर। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि सिलेक्शन टूल क्या होता है और कैसे उसका यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि लेसो टूल क्या होता है और कैसे लेसो टूल का यूज़ करना है, किन चीज़ों में लेसो टूल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे को हमारा एक कैनवास ओपन कर लिया है। अभी हमें चेक करना है कि जो हमारा कैनवास है वो हमने कितने पिक्सल्स का लिया है। तो हम क्या करेंगे, इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर पे हमारा इमेज साइज है, इस पर हमने क्लिक किया 5000x5000 और पिक्सल्स में हमने हमारा कैनवास जो है वो क्रिएट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद न्यू करके हमने कैनवास तो ओपन कर लिया है, अब हमें यहाँ पे कोई इमेज प्लेस करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है, प्लेस पे हम जाएंगे। प्लेस पे जाने के बाद जो भी इमेज हम यहाँ पे को प्लेस करना चाहते हैं उस इमेज को हम यहाँ पे को प्लेस कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम ये वाली इमेज को प्लेस कर लेते हैं, ये इमेज हमने यहाँ पे को लेकर आए हैं। अभी प्लेस करने के लिए या तो हमें इस जो टिक मार्क है इस पर हमें हमारे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, या फिर हमें क्या करना है, हमारे कीबोर्ड में से एंटर की को प्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमने इमेज जो है यहाँ पे को प्लेस कर ली है। अब हमें क्या करना है, इमेज तो हमने प्लेस कर ली है, अब हमें लेसो टूल का यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेसो टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने लेसो टूल सिलेक्ट किया, यहाँ पर अभी जब हमने कैनवास ओपन किया था तो हमारी एक लेयर थी बैकग्राउंड लेयर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कोई एक इमेज प्लेस करी तो यहाँ पर हमारी एक लेयर और आ गई है, ये इमेज वाली। ठीक है, जिससे हम यहाँ पे इसकी आई जो है यहाँ पे को आईज इसकी क्लोज कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, लेसो टूल सिलेक्ट किया है, तो हम हमारा कर्सर देखेंगे लेसो टूल का आ गया। ठीक है, जैसा साइन लेसो टूल का है वैसा ही सेम हमारे कर्सर पे भी आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, लेसो टूल पे ही अगर हम राइट क्लिक करेंगे, लेसो टूल पे राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे को हमारे पास टू ऑप्शंस आ रहे हैं लेसो टूल के। फर्स्ट आ रहा है लेसो टूल, सेकेंड आ रहा है पॉलीगोनल लेसो टूल। ठीक है, तो लेसो टूल का यूज़ कैसे करना है ये हम देखेंगे। फर्स्ट वाला जब हमने सिलेक्ट किया तो हम इससे जैसे हम ड्राइंग करते हैं पेंसिल से, तो वैसे ही हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए हमें ये मैन है, ये मैन सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें उस लेयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हम बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट नहीं रखेंगे, हम इस वाली इमेज वाली लेयर को यहाँ पे को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे को लेसो टूल को लिया है, तो हमें क्या करना है, जो लेसो टूल है इसी पे हमें अगर इस मैन को सिलेक्ट करना है तो हम हमारा कर्सर यहाँ पे को रखेंगे, हम एक बार प्रेस करेंगे, हमारे जो माउस का लेफ्ट बटन है उसे हम यहाँ पे प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारे हाथ को हमें क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, हमें इसे यहाँ पर से हटाना नहीं है, हमें हमारी फिंगर को उठाना नहीं है, हमें सिर्फ मूव करना है, उसके बाद लास्ट में हम इसे छोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो हम यहाँ लिया ये क्लोज करेंगे, तो ये देखेंगे कि लेसो टूल की हेल्प से हमने क्या किया है, इसे सिलेक्ट कर लिया है और इसे कॉपी कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही क्या करना है, अगर हमें कोई और चीज़ सिलेक्ट करनी है या फिर यहाँ पर से कुछ डिलीट करना है, इस वाली को हमने डिलीट किया यहाँ पे से, तो उसी में करेंगे, हमारे पास सेकेंड ऑप्शन भी आता है पॉलीगन लेसो टूल का। ओके, अगर हम पॉलीगन लेसो टूल देखते हैं तो जो साइन यहाँ पे को बना है वही हमारे अब यहाँ पे को कैनवास पे देखेंगे कर्सर में हमारे वही साइन है कर्सर का। अभी इसमें से हमें कुछ सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर हम आगे देख रहे हैं एरो बना हुआ है हमारे कर्सर पे, उसे हमें यहाँ पे को लेके जाना है, जो भी एरिया हम सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे को, यहाँ पे को क्या करना है, हमारे माउस का लेफ्ट बटन हमने एक बार क्लिक करना है और छोड़ देना है, ये हमने क्लिक किया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इसे हमने यहाँ पे को क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पे एक लाइन आ गई है, ये लाइन हम जहाँ भी हमारे माउस का कर्सर लेके जा रहे हैं वहाँ मूव हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस लाइन को हमें जितना एरिया सिलेक्ट करना है उतने पे लेके जाना है। जैसे अगर हमें ये वाइट वाला जो एरिया है यहाँ पर से सिलेक्ट करना है, पूरा यहाँ पर तक सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो हमें ये हमने लिखा हुआ है 100% गेट जॉब है, ये वाला एरिया हमें चाहिए, वो भी ऐसे चाहिए जिस जैसे वाइट में ये क्रिएट हुआ है उस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर से हम वाइट जो लाइन है लाइन टू लाइन इसे सिलेक्ट करेंगे, हमने यहाँ पे एक बार प्रेस किया तो ये हमारी लाइन यहाँ पे अटैच हो गई है। ठीक है, तो अभी यहीं पर से मूव हो रही है जहाँ भी हम हमारा कर्सर लेके जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर से हमने यहाँ पर वापस से ले गए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब ये यहाँ पर से यहाँ पर तक का सिलेक्ट हो गई। ठीक है, अगर हमें इसे जूम करना है तो हम थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं,
उसके बाद हम यहाँ पे से बनेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर से ही हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे हमने प्रेस क्लिक किया, तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आगे ले करके जाना है और इसे क्लिक करते रहना है, ठीक है। तो ऐसे ही इसे क्लिक करते रहेंगे, तो जितना एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे को क्लिक करते रहेंगे। ये हमने क्लिक किया, ये एरिया हमने सिलेक्ट किया, तो जितना एरिया सिलेक्ट करना है उतने पे क्या करना है, क्लिक करते जाना है, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे करने से क्या होगा, पीछे का जो आप वाइट एरिया देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ पे को छूट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे ही यहाँ पे को सिलेक्ट करना है जितना एरिया हमें चाहिए है, ठीक है जी। ये हम इतना एरिया सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इतना एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर से भी हमें क्या लेना है, ऐसे करके अगर लेना है तो ऐसे करके लेंगे, हमें सीधे नहीं लेके जाना है, ये वाइट लाइन जो है वाइट लाइन से हमें लेके जाना है, तो हम इसे वाइट लाइन से लेके जाएंगे। अभी हम देखेंगे जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम मैच करते हैं। हमने कहाँ पर से स्टार्ट किया था, यहाँ पर से स्टार्ट किया था जहाँ पे ये ब्लू वाइट और ये वाली लाइन मिक्स है, ठीक है। अभी हमारा कर्सर देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिख रहा है, ये जो हमारा लेसो टूल है ये वाला साइन हमें दिख रहा है, ये वाला लेसो टूल का हमें यहाँ पे को साइन दिख रहा है, और उसके ऊपर एक एरो दिख रहा है जहाँ पर से हमारी लाइन जो है वो अटैच है ना। तो जी, तो दो ये हमारे हमें यहाँ पे को दिख रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है जो हमारे कर्सर से अटैच है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। इसे जब हम हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जाते हैं, इसे टच करते हैं, तो हम देखेंगे पीछे हमारे जो लेसो टूल का साइन है कर्सर पे, उसके पीछे एक छोटा सा राउंड शेप बना हुआ आ गया है, दिख रहा है आपको जी। तो हम देखेंगे इसे हम दूर लेके जाते हैं, तो अभी हमें सिर्फ एक एरो दिख रहा है और एक लेसो टूल का साइन दिख रहा है, लेकिन जब हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से टच हो जाता है, वहाँ पर को हमारे लेसो टूल के साइन के नीचे एक राउंड शेप आ जाता है, एक डॉट आ जाता है। तो जब वो डॉट आ जाता है, इट मीन्स हमारा एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमने जब स्टार्टिंग पॉइंट से वो मिल जाएगा, अभी देखिए अभी तो नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी अभी वापस नहीं आ रहा है, जब स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाएंगे तब आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से मैच किया, उसके बाद यहीं पर को वापस क्लिक कर देना है, तो इतना एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया है। देखेंगे इतना एरिया यहाँ पे मूव भी कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट लाइन आ गई है और ये एरिया हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। ये एरिया क्या है, हमारा सिलेक्ट हो गया है। इसी को हमें क्या करना है, अगर इसे हमें किसी दूसरे पेज पे लेकर के जाना है, दूसरी लेयर पे लेके जाना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इसके आइस क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है उतना एरिया यहाँ पे हमारे दूसरे पेज पे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे वाइट है, इतना एरिया तो दिख रहा है, बट यहाँ पे वाइट वाला एरिया नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, अगर कोई न्यू बैकग्राउंड हमें लेना है, तो जितना एरिया हमारा यहाँ पे को शो रहा है इतना एरिया, अगर हम इसे भी जूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी करने से क्या होता है, ये सिलेक्ट हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे से मर्ज करा और इसकी साइज को हमने बढ़ा दिया, जितना भी इसके साइज को बढ़ाना है या कम करना है। तो ये हमने जो एरिया लेसो टूल की हेल्प से हमने जितना भी एरिया हमारा सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे को हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यही एरिया है जो हमने यहाँ पे को सिलेक्ट किया था इस वाली इमेज से, ठीक है, इस वाली इमेज से ये एरिया हमने यहाँ पे को सिलेक्ट किया था, इस ये एरिया हमने यहाँ पे को सिलेक्ट करके एक न्यू लेयर पे ले लिया, ठीक है। अब इसी लेयर को हम डिलीट कर लेते हैं, अगर वो लेयर हमें नहीं चाहिए तो, ठीक है। अगर इतना ही एरिया क्या है हमें वापस से सिलेक्ट करना है या फिर कुछ इसमें हमें और भी ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसी एरिया को हमें अगर डिलीट करना है या फिर हमें इसी एरिया को सिलेक्ट करके दूसरे पेज लेयर पे लेके आना है या कोई और चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो वो भी हम यहाँ पे को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या है, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, बट हमें ये सिलेक्ट नहीं करना है, हमें इसको डिसलेक्ट करना है, तो डिसलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो जितना भी एरिया हमने सिलेक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें जी जो एरिया है डी सिलेक्ट हो जाएगा, अभी हमें कुछ भी यहाँ पे को सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, जो हमारा कर्सर है वो हम यहाँ पे को लेके गए, हमने यहाँ पे को क्या किया, एक प्रेस किया, हमारा माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किया, ये हमारा यहाँ पे को स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पर से हमारा ये कर्सर है, ठीक है। अभी हमें जितना भी एरिया सिलेक्ट करना है हम वहाँ पे बार बार क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये क्लिक कर रहे हैं, वापस से हमने यहाँ पे को क्लिक किया और वापस से हम जब स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएंगे तो हमारे कर्सर के पीछे एक राउंड शेप बना हुआ आ जाएगा, उसके बाद ये एरिया क्या है, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
जी ऐसे ही हमारा जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी करेंगे, उसे कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी करके उसे पेस्ट कर लिया। हाँ ये एरिया जो है हमने पेस्ट कर लिया है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, कोई भी एरिया हमें अगर उसका दूसरी लेयर पे चाहिए है तो वो हम ले सकते हैं। जैसे अगर हमें यही नंबर है किसी दूसरी लेयर पे चाहिए तो वो हम लेके आ सकते हैं। या फिर हमें क्या करना है, इसी इमेज में से कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दूसरी लेयर पे लेके आनी है और एक न्यू इमेज क्रिएट करनी है, तो वो हम यहाँ पे को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेसो टूल हमने यूज़ किया। लेसो टूल की हेल्प से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये नंबर चाहिए, ठीक है। तो हमने ये नंबर यहाँ से कॉपी करेंगे, हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद करेंगे कंट्रोल सी और वी, ठीक है। इसके आइज क्लोज करेंगे तो ये नंबर हमें मिल गया। इसी का हमें क्या करना है, कंट्रोल टी करके साइज बड़ा करना है। तो जितना भी हमें बड़ा करना है वो हम कर लेंगे। ये हमने इसके साइज को क्या किया, बड़ा कर लिया और यहाँ पे को मूव कर लिया, प्लेस करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस वाली लेयर पे कोई और चेंजेस करने हैं, ठीक है। इस वाली लेयर को हम ऊपर कर लेते हैं। इस वाली लेयर से अगर हमें कोई और भी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो वो भी सिलेक्ट करेंगे। लेसो टूल पे जाएंगे, ये वाला एरिया हमें चाहिए तो ये एरिया हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जितना भी हमें एरिया हमारा चाहिए, यहाँ पे जाएंगे, जितना एरिया हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे को। यहाँ पर से हमें इतना एरिया अगर इसमें चाहिए है तो ये हमने एरिया यहाँ पे को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अभी देखेंगे इस वाले पे हमें काफी टाइम लग रहा है सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो क्या करना है, कंट्रोल सी और वी, कंट्रोल सी और वी हमने किया तो ये हमारी लेयर यहाँ पे आ गई है। यही लेयर क्या है, हमें अगर थोड़ी बड़ी चाहिए तो क्या करना है, इस पे भी सेम कंट्रोल टी करना है, सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करके इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो ये एरिया हमारा यहाँ पे को आ गया, ठीक है। साइज जितना बड़ा करना है उतना कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे को लेके आए, इसको कर दिया प्लेस। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसी वाली लेयर से कोई और चीज़ भी हमें कॉपी करनी है, वर्क फ्रॉम होम, 1000+ वर्क फ्रॉम होम, ये अगर हमें कॉपी करना है तो ये भी हम यहाँ पे से कॉपी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इतना एरिया हम यहाँ पे से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे से कॉपी करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, कंट्रोल सी और वी, कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट करेंगे, इस लेयर पे जाएंगे और उसे करना है कॉपी, सिलेक्ट करना है। इतने एरिया को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये एरिया हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद करेंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, उसके बाद करेंगे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी से इसे पेस्ट कर लेंगे, ओके। कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इस वाली लेयर को जहाँ पे भी मूव करना है मूव कर सकते हैं। तो ये एरिया हम यहाँ पे को लेके आ गए, यहाँ पे हमें चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हमारी पीछे वाली जो लेयर है वो हाइड हो रही है, तो क्या करेंगे, इस वाली लेयर को सबसे नीचे लेकर के आ जाएंगे। जो लेयर हमारी टॉप पे रहेगी वही हमें शो होगी, ठीक है। अभी हमारी ये कौन सी वाली लेयर है, लेयर नंबर थ्री, लेयर नंबर थ्री जो है वो है 1000+ वर्क फ्रॉम होम, ओके जी। जो हमारी लेयर नंबर थ्री है वो है 1000+ वर्क फ्रॉम होम। अभी जैसे हम यहाँ पर से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर इतना एरिया हमने सिलेक्ट करा है, कंट्रोल सी वी, इसे हम हाइड कर लेते हैं, इस लेयर को हम कर लेते हैं डिलीट। लेयर फोर को हम सबसे नीचे लेकर के आ जाएंगे और मूव करना है तो मूव कर लेंगे। तो ये हमने इसे मूव किया, तो अभी हमारा क्या हो रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे को जो लेयर फोर हमारी है, लेयर फोर कौन सी है, 1000+ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ओके जी। ये वाली लेयर है हमारी लेयर नंबर फोर। अभी क्या करना है, हमें ये नीचे चाहिए क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, लेयर जो वन है, लेयर वन हमारी कौन सी है, नंबर वाली लेयर है, ये लेयर वन है, ये नंबर वाली है, बट ये क्या हो रहा है, इस वाली इमेज के पीछे आ रही है तो हमारा नंबर जो है वो हाइड हो जा रहा है, तो वो दिख नहीं रहा है। पर हमें क्या करना है, नंबर दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर वाली लेयर को ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो लेयर ऊपर होती है वही लेयर हमें शो होती है,
तो नंबर वाली लेयर कौन सी है? लेयर वन। तो लेयर वन को हमें ऊपर करना पड़ेगा लेयर फोर के। लेयर फोर हमारी ये वाली है, ये वाली लेयर फोर है। लेयर फोर के ऊपर हमें लेयर वन को करना पड़ेगा, तो जो लेयर ऊपर होगी वही हमेशा होगी, तो ये वाली हमेशा हो रही है क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया, लेयर टू जो ये वाली है था 100% गेट जॉब हेयर, ये वाली को हमने सबसे नीचे रखा है, तो लेयर फोर जो है हमारी लेयर टू के ऊपर शो रही है। तो ऐसे ही हमें जिस भी लेयर को सबसे टॉप पे शो कराना है उस वाली को यहाँ पे को सबसे ऊपर रखना होगा। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पे से कॉपी करना चाहते हैं, जो भी हम इस इमेज में से कॉपी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर से हम लेसो टूल की हेल्प से उसे सिलेक्ट करके न्यू लेयर पे कॉपी कर सकते हैं। जी, न्यू लेयर पे उसे कॉपी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा है कि कैसे हम लेसो टूल की हेल्प से यहाँ पे को कोई भी, अगर हमें इमेज में से कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, उसे सिलेक्ट करना है, उसे डिलीट करना है, तो कैसे हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू।